एबीपीएस न्यूज़। एबीपीएस न्यूज टीम के साथ जनपद बरेली के ब्लॉक आलमपुर जाफराबाद में स्थित गहारा गांव में लेकर चलते हैं। लगभग 3200 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 26 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी 18 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव की प्रधान सुशीला देवी हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। वर्तमान प्रधान ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव में 64 शौचालयों का निर्माण कराकर पात्रों को वितरित किए हैं। वहीं बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के प्राइमरी पाठशाला में 150 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो शिक्षा के बदहाल इंतजाम को बयां करने के लिए काफी है। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान ने गांव में सीसीटाइज रोड, खडंजे, 18 आवास, पुलिया निर्माण तथा जल निकासी के लिए नाले का निर्माण भी कराया है। वहीं पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 12 हैंडपंप लगवाए गए हैं तथा 5 और हैंडपंप लगवाने की सरकार से मांग है। बात अगर विद्युत व्यवस्था की जाए तो गांव में 40 विद्युत पोल, 1 विद्युत ट्रांसफार्मर, 5 सोलर लाइट व 36 विद्युत लाइट वर्तमान प्रधान द्वारा लगवाई गई है तथा 40 विद्युत पोल एवं 2 ट्रांसफार्मर सरकार से लगवाने की मांग है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में शमशान घाट, बारात घर, स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत घर, जूनियर हाई स्कूल, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 30 आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत 300 शौचालय के निर्माण की मांग राज्य में केंद्र सरकार से की है। हेलो, मैं ग्राम प्रधान पति बोल रहा हूँ और मैंने अपने गांव के इतने कार्य काम काज कराए हैं। खरंजा है, नाला है और शौचालय हैं, खरंजा निर्माण है, आवास हैं, सभी कार्य मेरे गांव में सही ढंग से चल रहे हैं। मेरा गांव की जनता भी संतुष्ट है और आगे के कार्यकाल के लिए मेरे लिए जितना भी पैसा आएगा मैं अपनी जनता को सभी सही ढंग से जनता के लिए खुश करके प्रयोग करूंगा और सही ढंग से कार्य चलाऊंगा। और मेरी गांव की जनता के व्यवस्थाएँ के लिए ना तो कोई बारात घर है, नहीं कोई पंचायत घर है और ना जूनियर हाई स्कूल है। मैं ये चाहता हूँ मेरे गाँव में जूनियर हाई स्कूल बनना चाहिए और हम सभी प्रधान बंधु 24 घंटे तक अपने गांव में कार्यकाल में लगे रहते हैं। हम लोगों को 3500 रुपये मानदा दिया जाता है और हमको इतना बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि प्रधान लोग अपनी पंचायत में विकास नहीं करते हैं और हम लोग इतनी मेहनत से विकास कर रहे हैं जिस ऐसे जुटे हुए हैं 2 वर्ष से। देखा जाए तो हमारे कार्यकाल का विकास इतना 15-20 साल पहले नहीं हुआ था जो हमने किया है। हमारी सरकार अगर मदद करती है और हम लोगों को मानदाय 3500 रुपये ना दे, इससे बढ़िया तो तपसी सही है। अगर मानदा देना है तो कम से कम हम लोगों को 15-20 हज़ार रुपये मिलना चाहिए, तब तो हमारे कार्यकाल और अच्छा चलेगा। हेलो, मैं ओम प्रकाश बोल रहा हूँ ग्राम घर्रा से। हमारे प्रधान जी जो भी हैं बहुत अच्छी तरीके से काम चल रहा है, ऐसा भी नहीं कि कहीं पर काम गलत हो रहा हो। काम बहुत बढ़िया हो रहा है, हमारे गाँव की प्रजा भी सही है और जो भी काम होने जा रहा है वो भी सही हो रहा है और आने वाले समय में जो भी काम होगा वो भी बढ़िया ही होगा। हमारे सब लोग गांव के बहुत अच्छे हैं, गांव प्रधान जी की आगे पीछे सब लोग बढ़ाइया करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। काम भी बहुत तेज़ी से चल रहा है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा हो। काम जहाँ भी हो रहा है बढ़िया ही हो रहा है। जो रोड, खरंजे, स्कूल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बारात घर होना चाहिए वो तो हकीकत में होना चाहिए क्योंकि बारात रोकने का कोई इंतजाम ही नहीं है। हमारे गांव में इतनी बड़ी कहीं भी जगह नहीं है बनी हुई जो कि हम बारात उस जगह रोक सकते हैं।